गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं अपने क्लास 7 हिस्ट्री के लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है हजारों सालों में बदलती इतिहास यानी परिवर्तन। लेसन फर्स्ट पार्ट 1 है, जिसमें हम देखेंगे कि हजारों वर्षों में क्या परिवर्तन आए भारत के अंदर, यानी लोगों के रहन सहन में या उनके धर्म में या उनके सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन क्या है, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि क्लास 6 के बारे में के वहां पर 700 ईस्वी पूर्व क्या होता था, यानी जो हमारा एडी है वो एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट क्या होता है। इससे पहले जो मैंने आपको 6 की वीडियो बना कर दी है, आप सब उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि ईस्वी और ईस्वी इन दोनों में डिफरेंस होता है, यानी बीसी और एडी में डिफरेंस होता है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी जो जीरो ईयर है उसके जन्म से पूर्व तो होता है बीसी, और जीरो ईस्वी के बाद का होता है एडी। इज दैट क्लियर? यानी ये होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ये होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये आपका जो समय निर्धारण है, ये हमें पश्चिमी सभ्यता की देन है। जो भी हम ईयर्स वगैरह डिनोट करते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं, ये हमें पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न कल्चर की देन है। इसके माध्यम से ही हम अपने साम्राज्य को अलग अलग पहलुओं के अंदर देख सकते हैं, जान सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्लास 6 में, हमने अध्ययन किया था किस तरीके से जो मानव था वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करता था, कहाँ करता था और कैसे उसने एग्रीकल्चर को अपनाया है। पहले वो शिकारी था, एक अच्छा शिकारी था, वो ग्रुप के अंदर समूह के अंदर शिकार करता था। उस समय की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी धीरे धीरे उसने देखा कि मुझे स्थायी जीवन व्यतीत कर लेना चाहिए, तो उसने धीरे धीरे अपना जीवन स्थायी किया। वो सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण हुआ, यानी उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। उस दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान उसने देखा कि नदियां से वो पानी अवेलेबल कर रहा, उसने कई जानवरों को पालतू बनाया और पशुपालन भी शुरू किया, और धीरे धीरे उसने खेती शुरू की। उसने सबसे पहले चावल की कृषि करना प्रारंभ किया, फिर उसने गेहूं की कृषि और उनका भोजन संग्रह के रूप में कार्य किया। धीरे धीरे उसने युग में सभ्यता को अपनाने के पश्चात हमारा जो प्राचीन काल था वो समाप्त हो गया और उसके पास आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा, पहला भाग हिंदू मुस्लिम और उसके बाद आए ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश आए थे वो हमारे मध्यकालीन समय में आए थे, तो उस दौरान क्या था कि हिंदुओं का जो प्रथम दायित्व बना वो बना धर्म के महत्व को बढ़ावा देना है। उस समय में हिंदुओं ने अपने धर्म को बढ़ावा दिया, उस समय में वो अपने मंदिरों का निर्माण करते, अपने धर्म का प्रचार करते, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते, पूजा पाठ कर्म का और यज्ञों में इन चीजों में विश्वास करते थे। तो दूसरा था हमारा उसमें उस समय में अलग अलग वंश वर्ग है, अलग अलग साम्राज्य सामुदायिक क्षेत्र हो गए, अलग सभी ने अपनी प्रजातियों को सपोर्ट किया, जनजातियों को सपोर्ट किया, और छोटी छोटी हर क्षेत्र में जनजातियां समाज ये अलग अलग ग्रुप में बढ़ते चले गए। उस समय में मुगलक तेजी और मुगल ये 3 मोमेंट्स हैं जिन्होंने इन क्षेत्रों को अलग अलग विभाग में बांट दिया। बांटने के बाद मुगलों ने इस्लाम और महत्व दी, इस्लाम के अलग अलग उसने मंदिरों को खंडों में परिवर्तित कर दिया, और कुरान में कुरान के जरिए उसने अपना जो दूसरे धर्म के थे उनको अपने धर्म में मिटाने की कोशिश की। इसके बाद जो उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र को अलग अलग भाग में बांट दिया। इसके तुरंत बाद जो ब्रिटिश थे वो यहाँ पर व्यापार
लोगों का रहन सहन, रीति रिवाज, ये सब अलग अलग है। अंग्रेजों ने इन चीजों को फायदा उठाया और हमारे भारत को अलग अलग रूपों में विभक्त कर दिया। तो जो मुगल शासन और मुस्लिम थे उनके बीच में युद्ध हुआ, इस युद्ध में महत्वपूर्ण पक्ष ने के मानचित्र का होना, यानी किसी भी क्षेत्र पर जब वो युद्ध करते थे तो उस दौरान उनको मानचित्र की आवश्यकता होती थी कि कहाँ से युद्ध करना ठीक रहेगा और कहाँ से नहीं रहेगा। तो इसलिए उन्होंने मानचित्र का निर्माण किया। मानचित्र का सबसे पहले निर्माण अरब के अल ग्रीसी में किया गया, जिसका 3 सेंचुरी तक मानचित्र चलता रहा। ये हमारे जो श्रीलंका था इसमें श्रीलंका ऊपर था इस मानचित्र के अंदर और बाकी भाग नीचे की तरफ था। तो कहा जाता है कि जो अल ग्रीसी था वो हमारे उत्तर से भारत की तरफ आया, जिसके कारण जो श्रीलंका था इसका पोस्चर ऊपर की तरफ दिखाई देता है, तो उत्तर की तरफ नहीं दिखाई देता बल्कि दक्षिण की ओर दिखाई देता है। आप अपने बुक के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद जो बदलाव आया, मुगलों और मुसलमानों के बीच में युद्ध हुआ था, उन युद्ध के कारण जो बदलाव आया वो बदलाव थे सामाजिक व आर्थिक। सामाजिक का अर्थ हो गया कि जो भी कार्य समाज के द्वारा समाज के लिए किया जाता है वो होता है आपका सामाजिक, और आर्थिक का अर्थ होता है कि जो भी कार्य आपके समाज के द्वारा समाज में रहकर किया जाता है, यानी रोजगार के लिए अपनी आमदनी के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो होता है आपका आर्थिक। यानी कोई भी ऐसा कार्य जिसको करने में आपको इनकम हो, यानी आपकी आमदनी हो, उसे हम कहेंगे आर्थिक। तो इस तरीके से हमने आज जाना कि 700 AD से 1700 AD के बीच में किस तरीके से लोगों के व्यवहार में बदलाव आया, किस तरीके से मंदिरों का निर्माण हुआ, फिर किस तरीके से मुसलमानों ने अलग अलग भाग बनाए, अलग अलग समुदाय बना दिए, तो उस समुदाय को पृथक करके ब्रिटिश सरकार का आक्रमण हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इस सभी का निर्माण करते हुए हमारे भारत राज्य के ऊपर, भारत देश पर कम से कम 100 साल तक राज्य किया। यानी ये अलग अलग समुदाय में बटा हुआ था भारत धर्म के अकॉर्डिंग, समुदाय के अकॉर्डिंग। तो अंग्रेजों ने इस चीज का फायदा उठाया, ब्रिटिश सरकार